हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम इन ई पाठशाला चैनल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता बुक सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सी इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन से क्वेश्चन नंबर हंड्रेड ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे आपको स्टेट पी एग्ज़ाम असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम में एंड एस एस जेई कंडक्ट करती है जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम इन एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे और स्टेट के सब इंजीनियर लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ठीक है ये कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा गया है नाइन्टीन नाइन्टी थ्री में यू कंडक्ट करती एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ ए एंड बी कैन बी स्टार्टेड इंडिपेंडेंटली एक्टिविटी ई कैन बी स्टार्टेड ओनली वेन ए एंड बी हैव बीन कम्प्लीटेड एक्टिविटी डी फॉलोज ए एंड प्रेसिड्स एफ एक्टिविटी ई एंड एफ मर्ज एट द ऑब्जेक्टिव इवेंट द नेटवर्क प्लान विल बी एज एन नेटवर्क प्लान आपको बताना है तो हम रूल्स देख लेते हैं इम्पोर्टेंट रूल्स क्या है नेटवर्क प्लान करने के पहला रूल है अ नेटवर्क विल हैव ओनली वन इनिशियल नोड जो नेटवर्क होगा उसका एक ही इनिशियल नोड होगा और उस इनिशियल नोड से ओनली आउट गोइंग एरोस होंगे जो एरोस होंगे वो आउट गोइंग होंगे इस तरीके से एरोस बनेंगे और ये होगा इनिशियल नोड सेकेंड रूल है नेटवर्क विल हैव ओनली वन फाइनल नोड तो एक फाइनल नोड होगा फाइनल नोड में ओनली इनकमिंग एरोस होंगे यहाँ पर जो एरोस होंगे वो इनकमिंग होंगे ये दो रूल इम्पोर्टेंट है थर्ड नेटवर्क लॉजिक शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड नेटवर्क का लॉजिक हमेशा मैंटेन करना है अब लॉजिक क्या होगा नेटवर्क का कि नेटवर्क में कभी भी लूप नहीं बनता है अगर ये एक इवेंट है ये सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से ये लूप नहीं बनेगा नेटवर्क में ये नेटवर्क प्लान क्या होगा इनक्रेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये लॉजिक को मैंटेन नहीं कर रहा है तो इनकरेक्ट होगा सेकेंड यहाँ पर लॉजिक होगा कि जो एरो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ बनेगा ठीक है इस तरीके से नहीं बनेगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा अगर हम वर्टिकल की बात करते तो वर्टिकल में ऐसे भी बन सकता है एरो और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन सकता है दोनों तरीके सही होंगे तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे नेटवर्क ड्रॉ करने के क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक्टिविटीज़ ए एंड बी कैन बी स्टार्टेड इंडिपेंडेंटली एक्टिविटी एक इनिशियल नोड है वहाँ से स्टार्ट हो, हो रही है e एक एक्टिविटी बी और एक है एक्टिविटी ए ये दोनों इंडिपेंडेंटली स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी ई कैन बी स्टार्टेड ओनली व्हेन ए एंड बी हैव बीन कंप्लीटेड अब एक्टिविटी एक ई है वो कब स्टार्ट हो रही है जब एक्टिविटी ए एंड बी कंप्लीट हो जाए अभी हमारा जो नेटवर्क बना है उसमें तो क्या होगा कि एक्टिविटी बी कम्प्लीट हुई उसके बाद ई e स्टार्ट हो जाएगी अब ए को भी यदि कम्प्लीट होने के बाद में ई e को स्टार्ट होना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक डमी एक्टिविटी बना देंगे यहाँ पर इससे क्या होगा कि ये नेटवर्क में आप देखोगे तो ए ए के बाद ये डमी एक्टिविटी डमी एक्टिविटी के बाद एक्टिविटी ई स्टार्ट होगी ठीक है नेक्स्ट एक्टिविटी डी फॉलोस ए एंड प्रेसिट्स एफ अब एक्टिविटी डी किसको फॉलो कर रही है ए को इसका मतलब ए के बाद में कौन सी एक्टिविटी आएगी डी और किसके पहले है डी फॉलोस ए एंड प्रेसिट्स एफ एफ के पहले है ये एक्टिविटी एफ ठीक है एक्टिविटीज ई एंड एफ मर्ज एट द ऑब्जेक्टिव इवेंट ये जो इवेंट है यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी मर्ज होगी एक तो एफ और एक्टिविटी ई ये दोनों मर्ज होगी तो ये हमारा नेटवर्क होगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सी सी ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये डमी एक्टिविटी लॉजिक यहाँ पर एरो राइट right से लेफ्ट में आ रहा है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर ई e, अगर हम देखेंगे तो डिपेंडेंट बी पर तो है लेकिन ए पर डिपेंडेंट नहीं है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आप देखोगे तो जो डी है वो एफ के पहले होना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ डी फॉलोस ए ए के बाद में एंड प्रेसिट्स एफ एफ के पहले तो ये भी इनकरेक्ट होगा ऑप्शन सी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द क्रिटिकल पाथ मेथड आप कंस्ट्रक्शन प्लानिंग फ्री फ्लोट कैन बी ये भी क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में पूछा गया नाइन्टी थ्री में फ्री फ्लोट्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर कंपेरिजन करना है टोटल फ्लोट इंडिपेंडेंट फ्लोट ठीक है इससे कंपेयर करना है तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन देख लेते एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं उसके बाद हम ये क्वेश्चन देखेंगे फ्लोट की डेफिनेशन क्या है इंडिकेट्स द टाइम बाई विच स्टार्टिंग आर फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कम्प्लीसन टाइम फ्लोट का मतलब होता है कि, कि किसी भी एक्टिविटी को स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम में हम कितना डिले कर सके उससे प्रोजेक्ट के कम्प्लीसन टाइम को अफेक्ट ना हो अगर कोई प्रोजेक्ट हंड्रेड डेज में कम्प्लीट हो रहा है ठीक है ये प्रोजेक्ट का कम्पटिशन टाइम है हंड्रेड डेज और कोई एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को कम्प्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है टेन डेज अगर हम उस एक्टिविटी को डिले कर रहे हैं पाँच दिन ठीक है फिर भी हमारा प्रोजेक्ट कितने दिन में कम्प्लीट हो रहा है हंड्रेड डेज़ में तो ये फ्री फ्लोट कितना हो जाएगा फाइव डेज़ ये तो मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाया है अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे उसको हम देखेंगे उस क्वेश्चन में देखेंगे टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट कैसे निकालते हैं टोटल फ्लोट डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टाइम अवेलेबल एंड एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीसन ऑफ दी एक्टिविटी किसी एक्टिविटी को कम्प्लीट करने में एक्चुअल टाइम की कितनी आवश्यकता है कितनी रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है ठीक है अब एक क्वेश्चन देखते हैं एक नोट है वन टू थ्री फोर ठीक है इधर भी नोड है नोड टू में नोड टू के पहले जो एक्टिविटी है मान लीजिए एक्टिविटी ए है इस एक्टिविटी को अगर हम देखेंगे टाइम तो ये नाइन और ये सेवेंटीन है मतलब जल्दी से जल्दी ये एक्टिविटी ए कंप्लीट होगी नाइन डेज़ में और लेट से लेट होगी सेवेंटीन डेज़ में नेक्स्ट एक्टिविटी है बी इस एक्टिविटी में इस एक्टिविटी में अगर हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं तो नाइन डेज़ के बाद में स्टार्ट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी फिनिश करना है तो ट्वेंटी ट्वेंटी डेज़ में इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन है इलेवन डेज़ मतलब एक्टिविटी बी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ग्यारह दिन लेट से लेट स्टार्ट कर सकते हम चौंतीस दिन में थर्टी फोर डेज और लेट से लेट फिनिश होगी फोर्टी फाइव डेज में करेक्ट अब इस एक्टिविटी बी में यदि हम देखेंगे टोटल फ्लोट तो क्या होगा हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं नाइन डेज में ठीक है और लेट से लेट फिनिश कर सकते हैं फोर्टी फाइव डेज़ में फोटी फाइव माइनस नाइन ये कितना होगा थर्टी सिक्स डेज थर्टी सिक्स डेज़ और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है इलेवन डेज़ तो माइनस करेंगे इलेवन से तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव डेज़ इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी बी को हम ट्वेंटी फाइव डेज डिले कर सकते हैं या तो स्टार्टिंग में या एंड में ये हो जाएगा टोटल फ्लोट ठीक है एक एक करके समझेंगे आपको और जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर होंगे नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री फ्लोट फ्री फ्लोट की डेफिनेशन है टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग दी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी तो यदि एक्टिविटी बी की बात करते हैं तो एक्टिविटी बी के लिए जो एक्टिविटी ए होगी वो हो होगी प्रिसाइडिंग एक्टिविटी मतलब पहले है और बाद में एक्टिविटी कौन सी है ये एक्टिविटी थ्री से फोर जो स्टार्ट होगी वो सक्सेसिंग एक एक्टिविटी होगी बाद वाली एक्टिविटी होगी अब इस एक्टिविटी सी की बात करते हैं तो इस एक्टिविटी सी में ये जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सकती है तीस दिन में तीस दिन के बाद ठीक है और लेट से लेट स्टार्ट हो हो सकती है फोर्टी फाइव डेज में अब इसको ध्यान से समझना डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है कि टाइम बाई विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी तो जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है एक्टिविटी सी उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है थर्टी डेज मतलब जल्दी से जल्दी एक्टिविटी सी को हम कब स्टार्ट कर सकते हैं तीस दिन के बाद ठीक है तो इसको अफेक्ट नहीं करना है यहाँ तक आपको एक्टिविटी बी को कम्प्लीट कर लेना है तो फ्री फ्लोट क्या हो जाएगा यहाँ पर थर्टी माइनस नाइन इतना टाइम तो अवेलेबल है माइनस इलेवन डेज लगेंगे आपको एक्टिविटी बी को कंप्लीट करने में तो ये कितना हो जाएगा टेन डेज ये होगा फ्री फ्लोट नेक्स्ट देखते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या होगा टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड व्हेन ऑल द प्रिस एक्टिविटीज़ आर कम्प्लीटेड एज लेट एज पॉसिबल एंड ऑल सक्सीडिंग एक्टिविटीज़ स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल इंडिपेंडेंट फ्लोट में प्रसीडिंग एक्टिविटी कम्प्लीटेड एज लेट एज पॉसिबल मतलब प्रिसडिंग एक्टिविटी का जो लेट टाइम होगा वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए और सक्सीडिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग इस टाइम इसका मतलब होगा विदाउट अफेक्टिंग बोथ प्रिसाइडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटीज़ दोनों के टाइम का अफेक्ट नहीं होना चाहिए दोनों को अफेक्ट नहीं करना चाहिए एक्टिविटी अगेन हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर ये नोड है ये सेकेंड नोड एक्टिविटी बी इसको कम्प्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है फोर्टीन डेज स्टार्टिंग टाइम ट्वेल्व ये फिनिशिंग टाइम है ये जो एक्टिविटी होगी ये प्रिसाइडिंग एक्टिविटी कहलाएगी और ये तो सक्सीडिंग एक्टिविटी ठीक है तो प्रिसाइडिंग एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कब कंप्लीट हो जाएगी ट्वेल्व डेज में और लेट से लेट ट्वेंटी डेज में ठीक है ये अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा फिनिश टाइम किसके लिए प्रिसाइडिंग एक्टिविटी के लिए और लेटेस्ट फिनिश टाइम ये पी के लिए नेक्स्ट थर्टी सिक्स एंड फोर्टी एट डेज ये एक्टिविटी जो सक्सेडिंग एक्टिविटी है उसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ठीक है वैसे फार्मूले से भी आप कर सकते हो लेकिन फार्मूले याद करने में आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए कॉन्सेप्ट समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे तो सक्सेडिंग एक्टिविटी को हम स्टार्टिंग टाइम को डिले नहीं कर सकते हैं ये थर्टी सिक्स लेंगे यहाँ पर और जो प्रिसाइडिंग एक्टिविटी है उसके लेट लेट फिनिश फिनिशिंग टाइम रहेगा उसको भी अफेक्ट नहीं करना है तो बी के पास कितना टाइम अवेलेबल है जब एक्टिविटी प्रिसाइडिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए लेट से लेट में तो ट्वेंटी डेज और सक्सीडिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो तो थर्टी सिक्स डे थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी तो ये कितना होगा सिक्सटीन डेज सिक्सटीन डेज हैं बट कंप्लीट कितने में हो जाएगी बी एक्टिविटी फोर्टीन डेज़ में तो यहाँ पर फ्लोट कितना हो जाएगा टू डेज़ का मतलब टू डेज़ का हमारे पास टाइम है हम एक्टिविटी बी को डिले कर सकते हैं या तो स्टार्ट होने में या फिनिश होने में तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्लोट कितना हो जाएगा टू डेज इंटरफेयरिंग फ्लोट होता है डिफरेंस ऑफ टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट ये क्वेश्चन एम पी एग्ज़ाम में भी पूछा गया था एम पी असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम में ठीक है ये भी दो में जो हुई थी उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो रिलेशन क्या होगा टोटल फ्लोट ग्रेटर देन थ्री फ्लोट ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट फ्लोट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है थ्री फ्लोट कैन बी स्टेटमेंट वन ग्रेटर देन टोटल फ्लोट तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा ग्रेटर देन नहीं होगा ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट फ्लोट करेक्ट इक्वल टू टोटल फ्लोट ये भी करेक्ट होगा मतलब इक्वल भी हो सकता है टोटल फ्लोट लेस देन इंडिपेंडेंट फ्लोट ये लेस देन नहीं होगा तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएंगे टू एंड थ्री ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है ये इक्वल हो सकते हैं किस केस में जब फ्लोट ज़ीरो हो है ना उस केस में भी क्या होगा कि फ्लोट टाइम अवेलेबल नहीं है वो हम देखेंगे इसी वीडियो में सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है सब क्रिटिकल क्या होती है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री विच वन ऑफ़ दी फॉलोइंग डायग्राम्स विल बी करेक्ट वन फॉर डिसाइडिंग द मोस्ट ऑप्टीमल कॉस्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट चार डाइग्राम आपको दिए गए हैं इसमें से कौन सा डाइग्राम डिसाइड करेगा मोस्ट ऑप्टीमल कॉस्ट और ड्यूरेशन को ठीक है तो ये यहाँ पर तीन कॉस्ट दी गई है टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझते हैं इनको इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होगा आप प्रोजेक्ट आर दोज एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी एसोसिएटेड आर असाइंड टू एनी इंडिविजुअल एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होगा कि वो किसी एक्टिविटी की कॉस्ट इंडिविजुअल नहीं है ठीक है वो एक होल प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है जैसे कि एस्टेबलिशमेंट चार्जेस इंश्योरेंस चार्जेस ये जो चार्जेस होते हैं वो कहलाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट तो ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो टाइम के साथ बढ़ती है अगर हमें इंश्योरेंस एक प्रोजेक्ट है वो थ्री मंथ में कंप्लीट हो रहा है थ्री मंथ्स में और सेकेंड प्रोजेक्ट है सिक्स मंथ में ठीक है तो इंश्योरेंस किस में ज़्यादा लगेगा सिक्स मंथ वाले प्रोजेक्ट में क्योंकि टाइम बढ़ गया यहाँ पर तो टाइम जैसे ही बढ़ेगा उसके साथ में इनडायरेक्ट कॉस्ट भी क्या होती है बढ़ जाती है डायरेक्ट कॉस्ट आप प्रोजेक्ट आर दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली चार्जेबल एंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाई एक्टिविटीज़ डायरेक्ट कॉस्ट में है वो डायरेक्ट एक्टिविटी पे डिपेंड होती है जो डायरेक्ट कॉस्ट है जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल मशीन की कॉस्ट लेबर और ये जो कॉस्ट होती है डायरेक्ट वो टाइम के साथ डिक्रीज होती है ठीक है अगर प्रोजेक्ट तीन महीने में कंप्लीट होगा तो जो मशीन की कॉस्ट है लेबर है या मटेरियल की कॉस्ट है वो सिक्स मंथ के कंपेयर में कम होगी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी दोनों का सम टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी मिनिमम एट अ पॉइंट विच इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो एक पॉइंट पर मिनिमम होगी उस पॉइंट को ऑप्टिमम उस कॉस्ट को ऑप्टिमम कॉस्ट कहते हैं एंड टाइम करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिमम ड्यूरेशन ठीक है ऑप्टिमम कॉस्ट और उस पॉइंट पर जो ड्यूरेशन होगा उसको कहा जाता है ऑप्टिमम ड्यूरेशन समझते हैं यहाँ पर देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट वाई एक्सिस में वर्टिकल में और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है एक्स एक्सिस में तो इनडायरेक्ट कॉस्ट टाइम के साथ बढ़ेगी ऑप्शन ए में इन डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो रही है टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है ये ऑप्शन तो गलत होगा ऑप्शन बी इनडायरेक्ट कॉस्ट टाइम के साथ बढ़ रही है ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ऑप्शन सी इसमें भी इनडायरेक्ट कॉस्ट कम हो रही तो इनकरेक्ट होगा और इसमें तो टाइम के साथ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के साथ में प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कम हो रही है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा तो एक ही चीज़ से हमें पता चल जाएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फिर भी हम समझ लेते हैं इनको तीनों कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से क्या होती है कम होगी डायरेक्ट कॉस्ट जैसे जैसे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हम इंक्रीज करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाती है ठीक है और टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा इन दोनों का सम होगा तो एक यह पॉइंट होगा जहाँ पर कि कॉस्ट क्या है मिनिमम है और यह ड्यूरेशन तो इस ड्यूरेशन को हम कहेंगे ऑप्टिमम ड्यूरेशन और ये कॉस्ट कहलाएगी ऑप्टिमम कॉस्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ठीक है डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी डिक्रीज़ होगी विद द इंक्रीज इन टाइम टाइम इंक्रीज होगा डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी क्वेश्चन नंबर नाइंटी फोर इन टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट क्रेसिंग इज डन ऑन ऑल द एक्टिविटीज ऑन ऑल द एक्टिविटीज लाइंग ऑन द क्रिटिकल पाथ ओनली ऑन एक्टिविटीज लाइंग ऑन द ऑरिजिनल क्रिटिकल पाथ एंड हैविंग थ्लेटर कॉस्ट स्लोप्स ऑन ऑरिजिनल क्रिटिकल एक्टिविटीज़ एंड दो डेट बिकम क्रिटिकल एट एनी स्टेज ऑफ क्रेसिंग इन द ऑर्डर टू असेंडिंग कॉस्ट स्लो क्रेसिंग का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं क्रेसिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एलोंग द लॉन्गेस्ट पाथ पाथ टाइम वाइज ऑफ द नेटवर्क नेटवर्क में जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा ठीक है उससे हमें पता चलता है कि प्रोजेक्ट कितने टाइम में कम्प्लीट होगा तो उस लॉन्गेस्ट पाथ में यदि हम टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो उसको रिडक्शन करते उसको कम करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रेसिंग एलोंग द क्रिटिकल पाथ टू ऑप्टेन द ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्रिटिकल पाथ जो कि लॉन्गेस्ट पाथ होता है उस पाथ को जितना हम रिड्यूस करेंगे अगर वो लॉन्गेस्ट पाथ है मान लो टेन डेज का टेन डेज तो बहुत कम होंगे टेन वीक्स का मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है वो टेन वीक्स में कम्प्लीट हो रहा है ठीक है लॉन्गेस्ट पाथ है अब इस टेन वीक्स को यदि हम कम कर सकते हैं किसी एक्टिविटी को अगर उसके टाइम को हम कम करते हैं तो ये लॉन्गेस्ट पाथ भी क्या होगा कम हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा और उसी को कहते हैं क्रेसिंग अब स्टार्ट कहाँ से करना है क्रेसिंग किस एक्टिविटी के टाइम को कम करना है स्टार्ट क्रेसिंग डी एक्टिविटी अलोंग द क्रिटिकल पाथ हैविंग मिनिमम आर लीस्ट कॉस्ट स्लोप जिसका कॉस्ट स्लोप कम होगा या मिनिमम होगा वहाँ से हमें क्रेसिंग करना स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर ऑप्शन डी ऑन औरिजिनल क्रिटिकल एक्टिविटीज़ एंड दो डेट बिकम क्रिटिकल एट एनी स्टेज ऑफ द क्रेसिंग जब क्रेसिंग करते हैं तब भी वो क्रिटिकल रहेगी ठीक है क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल ये हम समझेंगे इसी वीडियो में इन दी ऑर्डर ऑफ असेंडिंग कॉस्ट स्लोप और कैसे करना है आपको असेंडिंग कॉस्ट स्लोप में मतलब पहले आपको सबसे कम जिसका कॉस्ट स्लोप होगा लिस्ट होगा उसको पहले क्रेश करना है उसके बाद में उससे ज़्यादा जिसका कॉस्ट स्लोप होगा उसको क्रेश करना है इस तरीके से आपको असेंडिंग फॉर ऑर्डर में आपको क्रेसिंग करना है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर ऑप्शन डी ऑन ऑल एक्टिविटीज ऑल एक्टिविटीज पे नहीं करते हैं केवल किस पे करते हैं जिसका कॉस्ट स्लोप क्या होगा लिस्ट होता है क्रिटिकल पाथ पे जितनी एक्टिविटीज है उन सभी पे करेंगे नहीं केवल किस पे करेंगे जिसका कॉस्ट स्लोप क्या हो लिस्ट हो ठीक है और ये भी हैविंग फ्लेटर कॉस्ट फ्लेटर नहीं लिस्ट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव फॉर द पाथ ऑफ अ सर्टेन नेटवर्क शोन इन फिगर द एक्सपेक्टेड टाइम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी रिस्पेक्टिवली ये एक नेटवर्क दिया हुआ है इसमें तीन टाइम दिए हुए हैं पहला जो दिया हुआ उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम बीच में जो है मोस्ट लाइकली और ये लास्ट में जो दिया हुआ है ये पेजिमिस्टिक टाइम कहलाता है मोस्ट लाइकली और ये ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होगा कि उस एक्टिविटी को कम से कम कितने समय में कंप्लीट किया जा सकता है तीन दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन में और पाँच दिन में उसको कंप्लीट करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होगी तो पाँच दिन में कंप्लीट किया जा सकता है और इन सभी का हम एवरेज निकालते हैं तो वो कहलाता है एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज ऐसे नहीं निकालेंगे तीनों को ऐड करके तीन से डिवाइड कर देंगे उसका एक दूसरा फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी आफ्टर द एस्टिमेशन ऑफ थ्री टाइम एस्टिमेट्स थ्री मैंने आपको बताएं ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली एंड पेजिमिस्टिक वी शुड ऑप्टेन एवरेज और मीन टाइम टेकन द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी ऑप्टीमिस्टिक प्लस फोर टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेजीमिस्टिक टाइम ठीक है तो टोटल कितना हो जाएगा ये वन प्लस फोर प्लस वन ये सिक्स से डिवाइड कर दोगे तो एक्सपेक्टेड टाइम आप यहां पर निकाल लोगे ये फॉर्मूले से आंसर आएगा ट्वेंटी स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है पेजिमिस्टिक माइनस ऑप्टीमिस्टिक डिवाइडेड बाई सिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालोगे ठीक है ये तो फार्मूला थोड़ा इसमें आप ये अंडर रूट से ये कैंसिल करके भी आप निकाल सकते हो आंसर क्या आएगा वन पॉइंट नाइन थ्री एक और आपको फार्मूला याद रखना है जिसको हम कहते हैं वेरियंस सिग्मा स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करोगे तो वेरियंस निकलेगा ये कितना हो जाएगा ये स्क्वायर करेंगे तो थ्री पॉइंट सेवन टू फोर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ये कैलकुलेशन आप कर लेना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द क्रिटिकल पाथ इन अ नेटवर्क प्लान ऑफ अ प्रोजेक्ट क्रिटिकल पाथ से रिलेटेड यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं चार स्टेटमेंट दिए गए हैं बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे क्रिटिकल पाथ समझ लेते क्या होता है क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है लॉन्गेस्ट पाथ अ नेटवर्क टाइम वाइज अगर हम देखते हैं तो जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा नेटवर्क में क्रिटिकल पाथ इस वन विच कनेक्ट द इवेंट्स हैविंग जीरो और मिनिमम सेलेक्ट टाइम जिसका सेलेक्ट टाइम मिनिमम होगा या जीरो होगा उसको कनेक्ट करता है क्रिटिकल पाथ ऑल द इवेंट्स अलोंग द क्रिटिकल पाथ आर कंसिडर्ड टू बी क्रिटिकल इन द सेंस डेट एनी डिले इन देयर अकरेंस विल रिजल्ट इन द डिले इन द शेड्यूल्ड कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्रिटिकल पाथ में क्रिटिकल पाथ के अलोंग में जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको हम क्रिटिकल मानते हैं क्योंकि अगर उस इवेंट में अगर हमने डिले किया इसका मतलब प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में भी डिले होगा क्रिटिकल पाथ इन नेटवर्क प्लान अ प्रोजेक्ट हेल्प इन प्लानिंग एफिशिएंट टाइम शेड्यूल एंड हेल्प इन एंकरिंग डिसिप्लिन इन एग्जीक्यूशन ठीक है ये प्लानिंग करने में भी अगर हमें एफिशिएंट प्लानिंग करना है किसी प्रोजेक्ट की और उसका एग्जीक्यूशन करना है डिसिप्लिन वे में ऑप्शन देख लेते हैं क्रिटिकल पाथ से रिलेटेड पहला ऑप्शन है हेल्प इन प्लानिंग एफिशिएंट टाइम शेड्यूल अगर किसी नेटवर्क प्लान या किसी प्रोजेक्ट को हमें टाइम से कम्प्लीट करना है ठीक है तो उसके एफिशिएंट टाइम शेड्यूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्रिटिकल पाथ को देखना पड़ेगा क्योंकि क्रिटिकल पाथ ही हमें बताता है कि प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा इंडिकेट्स दी शॉर्टेस्ट पाथ इन टाइम इनकरेक्ट शॉर्टेस्ट नहीं होगा क्या होगा लॉन्गेस्ट हेल्प इन क्रेसिंग द प्रोजेक्ट जुडिशियरी ये भी करेक्ट होगा ठीक है क्रेसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं क्रिटिकल पाथ में जो एक्टिविटीज़ होगी जिसकी कॉस्ट स्लोप मिनिमम होगी उसको क्रेस करते हैं फोर्थ हेल्प इन एनकरेजिंग डिसिप्लिन इन एग्जुक्यूशन ये भी करेक्ट हो जाएगा ठीक है एग्जूक्यूशन के लिए भी हेल्प होता है क्रिटिकल पाथ तो वन थ्री एंड फोर ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन साइट ऑर्डर बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग साइट ऑर्डर बुक का यूज हम क्या रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंस्ट्रक्शन मेजरमेंट्स रिक्विजिशन ऑफ प्लान्स एंड इक्विपमेंट्स इंडेंट्स एकमेंट्स मटेरियल्स टू बी ऑर्डर्ड एक साइट ऑर्डर बुक होती है मेजरमेंट बुक होती है जिसको एम बी कहा जाता है और एक होती है फील्ड बुक साइट ऑर्डर बुक का यूज किया जाता है टू रिकॉर्ड दी कमेंट्स ऑफ द हायर ऑफिशियल वाइल इंस्पेक्टिंग दर्क जब कोई हायर ऑफिशर आते हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं ठीक है या चीफ़ इंजीनियर हैं तो उसके इंस्पेक्शन के दौरान में जो कमेंट्स होंगे वो हम रिकॉर्ड करते हैं इसका एक फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है सेकेंड होती मेजरमेंट बुक इट प्रोवाइड्स अ कम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ वर्क परफॉर्म्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एंड इंक्लूड्स ऑल आइटम्स हैविंग अ फाइनेंशियल वैल्यू ठीक है जो कॉन्ट्रैक्ट जो वर्क कर रहा है उनकी कंप्लीट यहाँ पर रिकॉर्ड रिकॉर्ड होता है मेजरमेंट बुक में कि कौन सा वर्क जो वर्क है उसमें कितना मटेरियल लगा है उसकी डायमेंशंस कितनी है उसकी फाइनेंशियल वैल्यू ये कंप्लीट यहाँ पर मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड किया जाता है सो डेट द फाइनन फाइनल अमाउंट ड्यू अंडर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंप्यूटेड तो हमें फ़ाइनल अमाउंट मिल जाता है उस प्रोजेक्ट का उस कॉन्ट्रैक्ट का मेजरमेंट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय अ पर्सन नॉट लेस देन द जूनियर इंजीनियर ठीक है इससे कम लेवल का इंजीनियर मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर सकता है ठीक है कम से कम कितना क्या होना चाहिए जूनियर इंजीनियर फील्ड बुक अ बुक इन विच अ सर्वेयर राइट्स डाउन द चेन आर टेप मेजरमेंट्स एंड अदर टेक्निकल नोट्स टेकन इन द फील्ड जो टेक्निकल मेजरमेंट्स होती है टेक्निकल नोट्स होते हैं वो नोट करने के लिए फ़ील्ड बुक का यूज़ किया जाता है साइट ऑर्डर बुक इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 सेवन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 98 एट सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द एफ डब्ल्यू टेलर इज एज कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था एफ डब्ल्यू टेलर ने इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन लाइन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय एफ डब्ल्यू टेलर एम आर वॉकर एंड जे ई केली जॉइंटली डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ मेथड, पार्ट प्रोग्राम ई रिव्यू टेक्निक ये भी फुल फॉर्म याद रखना ये भी आ जाता है ऑब्जेक्ट में अ मेथोडोलॉजी डेवलप्ड बाय द यू एस नेवी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट तो एफ डब्ल्यू टेलर ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन फिगर शो द एरो डायग्राम फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट द एरो ए डेस इज एज ये एरो क्या होगा ये आपको बताना है वैसे सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि तो इसमें जो ड्यूरेशन है वो कितना जीरो दिया हुआ है और कौन सी एक्टिविटी टाइम कंज्यूम नहीं करती और ना ही रिसोर्स कंज्यूम करती है उसको हम डमी एक्टिविटी कहते हैं ठीक है वैसे तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो बट मैं आपको क्रिटिकल सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी उसको भी मैं यहाँ पर समझाऊंगा ताकि आपको किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर पाओ डमी एक्टिविटी ना कंज्यूम एनी टाइम नॉर रिसोर्सेस तो इसी से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी टोटल फ्लोट लेस देन ज़ीरो या नेगेटिव मैक्सिमम अवेलेबल टाइम फॉर एन एक्टिविटी इज़ लेस देन द एक्टिविटी टाइम कोई एक्टिविटी है उसका टाइम मान लीजिए टेन डेज है मतलब तो उस एक्टिविटी को कंप्लीट कितने दिन में कर सकते हैं टेन डेज में लेकिन अवेलेबल टाइम हमारे पास कितना है एट डेज लेस देन है ठीक है एक्टिविटी टाइम से कम है हमारे पास टाइम अवेलेबल तो वो सुपर क्रिटिकल हो जाएगी एक्टिविटी सच एक्टिविटीज़ डिमांड स्पेशल अटेंशन बिकॉज अवेलेबल टाइम इज लेस देन रिक्वायर्ड टाइम एंड दिस आर टर्न मेज सुपर क्रिटिकल हमारे पास जो टाइम है वो क्या है एड डेज का मतलब कम टाइम है तो हमें उस पर स्पेशल पे अटेंशन देना पड़ेगा ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा और कम से कम हम उसको कम से कम टाइम में कोशिश करेंगे कम्प्लीट करने का वो सुपर क्रिटिकल हो जाएगी क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होगा टोटल फ्लोट क्या है ज़ीरो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम आप एंड एक्टिविटी इक्वल टू द एक्टिविटी टाइम बराबर है डिफरेंस कितना हो जाएगा ज़ीरो सच एक्टिविटी डिमांड अबाउ नॉर्मल अटेंशन विथ नो फ्रीडम ऑफ डिले तो यहाँ पर कोई भी हमें फ्रीडम नहीं रहेगी कि हम डिले कर दें उस एक्टिविटी को करने में क्योंकि हमारे पास जो टाइम अवेलेबल है मान लीजिए कितना टाइम है टेन डेज और एक्टिविटी को कंप्लीट भी कितने दिन में कर सकते हैं दस दिन में दोनों टाइम बराबर है तो आप डिले नहीं कर सकते यहाँ पर सुपर क्रिटिकल में जो सब क्रिटिकल सॉरी क्या है सब क्रिटिकल जिसमें टोटल फ्लोट कितना होगा ग्रेटर देन ज़ीरो या पॉजिटिव होगा मैक्सिमम अवेलेबल टाइम फॉर एन एक्टिविटीज़ मोर देन एक्टिविटी टाइम टाइम अवेलेबल है हमारे पास फिफ्टीन डेज एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा दस दिन तो हमारे पास टाइम ज़्यादा है ठीक है डिमांडिंग नॉर्मल अटेंशन बट अलाउविंग सम फ्रीडम ऑफ एक्शन तो हमारे पास फ्रीडम रहेगी हम पाँच दिन इसको डिले कर सकते दो दिन डिले कर सकते चार दिन डिले कर सकते हमारे पास कुछ फ्रीडम रहेगी इस एक्टिविटी को करने में उसको हम कहेंगे सब क्रिटिकल जिसमें कि फ्लोट टाइम क्या होता है पॉजिटिव होता है तो ये तीन टाइप की एक्टिविटी है ठीक है ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया था क्या होगा यहाँ पर डमी एक्टिविटी क्योंकि जो टाइम दिया हुआ है ज़ीरो और टाइम किस में ज़ीरो लगता है डमी एक्टिविटी में वो सिर्फ हम नेटवर्क का जो लॉजिक होता है उसको कम्प्लीट करते उसको मैंटेन करते हैं डमी एक्टिविटी का यूज़ करके लास्ट क्वेश्चन है वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो कुछ डाउट आपको हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो क्वेश्चन नंबर हंड्रेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड प्राइस वेरिएशन क्लोज इन कॉन्ट्रैक्ट कैटर टू ऑप्शन ए इंक्रीज इन रेट्स ऑफ ओनली इंपॉर्टेंट मटेरियल्स वेरिएशन इन कॉस्ट मटेरियल्स एलिमेंट लेबर एलिमेंट एंड पेट्रोल ऑयल डुब्रिकेंट एलिमेंट वेरिएशन इन टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन एन एडोक बेसिस रेट ऑफ इन्फ्लेशन ठीक है तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर प्राइस वेरिएशन किस में होगा वो क्लोज़ कौन सा है ठीक है जो कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा मान लीजिए वन ईयर में कोई कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट करना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में वन ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें कौन सा क्लोज होगा प्राइस वेरिएशन का ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन पीरियड प्राइस वेरिएशन क्लोज इन कॉन्ट्रैक्ट कैटर्स टू वेरिएशन इन कॉस्ट इन मटेरियल ठीक है मटेरियल का वेरिएशन हो सकता है कॉस्ट में लेबर एलिमेंट एंड पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट एलिमेंट इसका क्लोज है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड ऑप्शन बी करेक्ट होगा ठीक है वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो वीडियो को शेयर कीजिए चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग